हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। राम राम सबको, क्या हाल है? तो आज सोच रहे होगे कहाँ चल दिए भाई, बहुत दिनों बाद जाद से शोरली मिली है। सो गोइंग आउट टुडे एंड गेस व्हाट, इट्स वेरी लकी शोरली, गोइंग टू मीट माय ब्रदर गाइस लंगोटिया भाई, बचपन की यादें, सो वेरी एक्साइटेड। अब जा रहा हूँ, यहाँ से एक बस पकड़नी है, देन उसके बाद आगे का सफ़र लंबा है। चलो साथ साथ दिखाता रहूँगा। ये देखो भाई, ये यूज़ कर रहे हैं पूरी हवा का, और ये देखो कितनी पवन चक्की लगा रखी है इन्होंने, बिजली व बिजली बनाए जा रहे हैं फ्री की। और हमारा जहाज वहाँ रह गया, उधर खड़ा है हमारा जहाज, और हम जा रहे हैं इधर पैदल। किस्मत इतनी अच्छी है भाई, बस मिल गई मुझे सी फेयरर सेंटर्स की। ये एक ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ होता है हर कंट्री में, सी फेयरर्स मिशन। तो ये स्पेशली सी फेयरर्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं पोर्ट्स में। तो ये अब बस मुझे डायरेक्ट लेके जा रही है सी फेयरर सेंटर में। वहाँ थोड़ी देर ब्रेक करेंगे, रिलैक्स करेंगे और अपने सी फेयरर भाइयों से मिलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो भाई, पहुँच गए हैं अभी हम लोग सी फेयरर्स होम स्टेला मारिस गेंट, और अब दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ की फैसिलिटीज़। चलिए, तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, और अंदर देखो भाई, ये लोग सारे एंजॉय कर रहे हैं, क्या नज़ारे हैं अंदर। ये सब इन्होंने सी फेयरर्स के लिए फ्री बनाया हुआ है। हम यहाँ आते हैं और एंजॉय करते हैं, सब ड्रिंक्स वगैरह, वट एवर यू लाइक यू कैन हैव इट। ये सब सी फेयरर हैं, दूसरे जहाज के लोग हैं, अभी हमारे साथ ही आए हैं ये बसेस में। ओके, so this is it, let's go inside now. So this is the Seamen's Club guys. ये pool table भी है यहाँ पे, snooker है, वो सब enjoy कर रहे हैं, खाना पीना सब कुछ। भाई ज़्यादा देर तो नहीं रुक पाया क्योंकि मुझे next train पकड़नी थी आगे जाने के लिए। तो अब हम निकल चुके हैं train station के लिए, and ये again seafarers mission की bus में ही जा रहा हूँ। पकड़ ली भाई train, तो बहुत भाग भाग के पकड़ी और पूरी खाली पड़ी है, ये देखो कोई नहीं है इधर। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रेन आएगी, यहाँ से 5 मिनट लगेगी मुझे अगले स्टेशन तक, फिर वहाँ दूसरी ट्रेन पकड़ूँगा अगली वाली। ये एकदम टच एंड होता है, ये लगा लो 5 सेकंड भी लेट हो जाता तो निकल गई थी, दरवाज़ा बंद होते होते बीच में दे देता हूँ। ठीक है, अब अगली वाली पकड़ूँगा नेक्स्ट स्टेशन पर उतर के। आ गए हैं भाई गेंट सेंट पीटर्स रेलवे स्टेशन पर। ये यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से सब जगह ट्रेन जाती है चारों तरफ। तो अब मुझे जाना है प्लेटफॉर्म 10 पे, प्लेटफॉर्म 10 अपना प्लेटफॉर्म है भाई, 10 नंबर, 10 पे जाना है अपने को। हाँ, 10 का रास्ता चेंज कर रखा है इन्होंने इधर से पीछे से। ओके, हाँ यहाँ से है जी अपना 10 नंबर, 10 नंबर ही पे ये अपनी ट्रेन है, इधर लगी हुई है बोर्ड पे। चलो, बहुत भागा दाड़ी होगी, फाइनली एबल टू गेट दिस वन। अब मिल जाएगी ट्रेन होपफुली इतनी स्ट्रगल के बाद। चलो जी, पकड़ते हैं अपनी ट्रेन। दूसरी ट्रेन भी मिल गई है, बैठ चुके हैं इसमें, बहुत भागा दौड़ी होगी इसके लिए, जैसे ही आया वैसे ही आ गई सेम टाइम। टाइम के पक्के हैं ये, 2 मिनट पहले आ गई। चलो, बाहर का नज़ारा तो दिखेगा नहीं, सब लोग रोने लग गया। वैसे काम में लगे पड़े हैं और बुरी हालत हो गई थी आज तो जहाज पे काम करते करते। रात हो गया, अब एक्साइटमेंट ये हो रही है कि भाई से मिलूंगा जाके, भाई भाभी किया है, सो एक्साइटमेंट हो रही है। पर लेकिन नींद इतनी ज़बरदस्त आ रही है, वहाँ जाके पता नहीं कितनी देर जगेंगे, आज तो लग रहा है पूरी रात बातें करेंगे बैठ के। एक्साइटेड, चाव चढ़ा हुआ है चाव। हेलो भाई, पहुँच गया हूँ स्टेशन पे और होपफुली वो लोग पार्किंग में खड़े हुए हैं मुझे लेने आए हैं। और ये देखो ब्यूटी बार, ये बाहर की ब्यूटी है, स्टेशन है बहुत बड़ा है, इधर पार्किंग है। सुबह होगी और हम मिल चुके हैं फ्रॉम गांव टू शहर
शहर टू फोरन। एंड कल आ गया था मैं रात को, फिर हम जोली जोली हो गए थे दोनों भाई। अब हम होश में आए और घूमने निकल रहे हैं सुबह की वॉक पे। धूप निकली है बढ़िया, अभी हम वॉक पे जा रहे हैं। यू वॉन्ट टू से समथिंग डार्लिंग, कुछ बोलेंगे? आज 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 मेरे को मौका मिला है प्रशांत की व्लॉग में अपनी अरे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये भाई ये है मेरा भाई राजू। हमने सारा बचपन साथ निकाला और जब जवानी आई तो हम जुदा हो गए, और अब जब भी हमें मौका मिलता है हम फिर मिल बैठते हैं। हम अभी तीसरी बार मिल रहे हैं भाई फोरन में, और उसके बाद इंडिया में एक ही बार मिल पाए जब से यहाँ शिफ्ट हुआ है। ऐसी लाइफ होगी देख लो, और हम तड़पते रहते हैं कि भाई कब मिलें, तो मुझे मौका मिला और मैं भाग आया। आज हम सिटी घूमेंगे, बहुत कम टाइम बचा एक्चुअली, सिटी में घूमेंगे खाना खाएंगे फिर वापसी। अब फिर अगला मिलना हमारा पता नहीं कब होगा, हमें भी नहीं पता है ना। फॉल स्टार्ट हो रखा है यहाँ पे, पीछे पूरी पतझड़ चल रही है, पर मौसम जबरदस्त है भाई, ठंडक है, सुहाना मौसम घूमने वाला, मन लग रहा है एकदम। धूप निकली हुई है, चांदना हो रहा है। यहाँ देखो कलर्स, ये हैं कलर्स यहाँ के, वाह यार। चलो आगे दिखाएंगे बाकी। ओके ये है सीनरी। ये है लेक साइड वॉकिंग ट्रैक, काइंड ऑफ लवर स्पॉट, सब लवर्स घूम रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे साइड में एक ओपन रेस्टोरेंट भी है। सी द व्यू, सब घूम रहे हैं यहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक। चले जा रहे हैं मार्केट। अभी उस ब्रिज के थ्रू उधर जाएंगे वॉक करके। जगह क्या बोलते हैं? सिरामिक है। प्लीन ये है, प्लीन 1992। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने 1992। तो ये एक सेंट्रल टाइप है, सब शॉप वगैरह है यहाँ पे, सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं, यहाँ बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। पीछे लव बर्ड बैठे हुए हैं, लड़के लड़के हैं दोनों वैसे। तो ब्रिज के ऊपर आ गए हैं, नाउ क्रॉसिंग द ब्रिज। ये पूरी रिवर है मेरे पीछे। भाई फोटो खींचने में लगा हुआ है इधर। किया और भाभी उधर जा रहे हैं आगे। अब हम मार्केट जा रहे हैं, ये तरफ चल रहे हैं, अब क्रॉस करके उस तरफ मार्केट है, ये रिवर उधर जाती है। देखिए मार्केट में आ गए भाई, पूरी मार्केट डेकोरेट हो रखी है, रेडी है क्रिसमस के लिए। पीछे फ्रूट वगैरह रखे हैं इन्होंने लोकल, सब जगह डेकोरेट हो रखा है। और इसको आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खाने आई है ठंड में। यहाँ के लोग ओपन रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना, ओपन रेस्टोरेंट लाइफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना, बाहर बैठ के कॉफी पीना सुबह शाम दोपहर। यस, दे डोंट लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट डिनर, यहीं आते हैं और खाते हैं, है ना। यहाँ चल रहा है लाइव म्यूजिक, बज रहा है वो, नहीं वो गा रहा है साथ में, है ना, गा रहा है ना वो साथ में। ये रेस्टोरेंट है ओपन, सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और सर गाना गा रहे हैं,
नाइस। हेलो किया, हेलो लेट्स गो। रेगुलेशन है, भीड़ देख लो भाई मार्केट में। यहाँ क्यूट क्यूट पांडा रखे हुए हैं, क्या है ये चूजे से बच्चों के खिलौने। मार्केट लगी हुई है एंटीक चीजों की। वाओ ये देखो इसको। इसको कैसे बनाया हुआ है? हाँ रियल है वो, सब एंटीक चीजें हैं, पुराने जमाने की सेल लगी हुई है। सब लोग आए हैं, जैसे अपने पाली का बाजार होता है, पाली का बाजार लगा हुआ है अपना देसी। देख लो भाई नाइस। हाँ देखो बंदर को क्या बंदर बैठ गया इधर। पूरा बैठे भैया, फुल भरा हुआ एकदम। नाइस। एंजॉयिंग लाइफ। ये बिल्डिंग है बनी हुई भाई 1612 की ऊपर, ये देखो 1612 लिखा हुआ। 400 साल हो गए इसको, 400 साल मायने रखते हैं भाई। हम तो सोच भी नहीं सकते उस टाइम कैसा होगा। खुशबू अच्छी आ रही है, ये मूंगफलियाँ बन रही हैं इधर, मूंगफलियाँ लेंगे हैं। आगे शॉपिंग करके झोला भर रखा भाई, ठंड हो गई अब, धूप खत्म, खाना वाना खा लिया रेस्टोरेंट में, पेट पूजा हो गई है। अब जाएंगे चाय पियेंगे बढ़िया वाली, भाभी चली गई पहले ही चाय बनाने, चाय पी के फिर निकलेंगे वापस अपने शिप के लिए। मज़ा आ गया भाई, फीलिंग रिलैक्स नाउ है ना। और बाकी पीछे नज़ारा देख लो, ग्रीनरी येलो ऑल द कलर्स। अब हम निकल गए भाई घर से चाय चूय पी के, भाई चला रहे हैं गाड़ी सीरियस एकदम, हाईवे पे तोड़ा रखी है। ये हाईवे का नज़ारा है, एकदम सपाट रोड खेल जा रहे हैं।
थे। ऐसे केस में मेरे को कंफ्यूजन आती है भैया, या तो वो खींचते हैं कि यहाँ निकल जाएं हम। पता नहीं। स्टेशन पहुंच गया हूँ भाई, भाई चला गया छोड़ के। बहुत बेकार फीलिंग है यार, ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे जब मैं शिप ज्वाइन करता हूँ ना, ऐसा फील कर रहा हूँ अभी कि घर छोड़ के वापस शिप पे जा रहा हूँ। रियली बैड यार, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। और बाकी स्टेशन पे आ चुका हूँ वापस, मेरे पीछे पूरा स्टेशन है, देखो ये पूरा रेलवे स्टेशन है। लीज एयरपोर्ट वाली फीलिंग है इधर पूरी है, देखो। बैठ गया भाई ट्रेन में दूसरी, अब इसके बाद एक और चेंज करनी है अगले स्टेशन पे जाके, बाकी इसमें बैठा हूँ। अभी बचा है 2 घंटे का रास्ता, अपनी घड़ी में 4 बज गए। पहुंच गया भाई अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे, अब बाहर निकल के कैब लूँगा और कैब लेके सीधा जहाज पे। बहुत लेट हो गया बस, फिर जहाज पे जाके मिलता हूँ अब आप लोगों को, मैं भी बहुत थक गया हूँ। सी यू गाइस ऑन द शिप। तो जी भाइयों पहुंच गया हूँ, ना भी लिया, फ्रेश हो गया, अब लगी है भूख बहुत जोर की और थकावट भी हो गई, तो मैं जा रहा हूँ जी डिनर करने और यहीं व्लॉग एंड करते हैं। आज का स्पेशल था एकदम, बता देना कैसा लगा, आई होप अच्छा ही लगा होगा। ये एक डिफरेंट जर्नी थी एंड एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी था मेरी लाइफ का, रियली गुड फीलिंग है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं घर होके आ गया हूँ और बहुत लंबे टाइम के लिए घर के आया हूँ, जैसे छुट्टी बिता गया हूँ ऐसा लग रहा है। चलो जी ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, टिल देन राम राम।